भर गया भाई, सड़कों पे पानी भर गया ये, आराम से आराम से आराम से। दो सीआरडी थार, एक अपने शेखर भाई की, एक विकास भाई के। ये संदीप जी जा रहे हैं अपने अपना जौहर दिखा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई शेखर भाई का फोन आया कि कहीं घूमने चलते हैं, तो हम लोग निकल गए हैं। तो शेखर भाई आ गए हैं और हमारे ब्लू मंकी संदीप जी। संदीप जी आज का खुदाफंदी करनी है। खुदाफंदी करेंगे जमा रामगढ़ में। चलो निकल गए रामगढ़ के लिए, क्योंकि विकास भाई यार वहाँ पहुँच गए ऑलरेडी, उनका फोन आ गया था, तो हम भी यहाँ से निकल गए जस्ट घर से, और देखते हैं आज क्या मस्ती रहने वाली है। तो सामने भाई मौसम तो हो रहा है शानदार, देखो बारिश आ जाए तो मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आज का संडे बन जाएगा बढ़िया से। तो ये शेखर भाई का फेवरेट गाना चल रहा है, हमारे को इतनी बार सुना चुके हैं ये वाला गाना, बस पूछो ही मत। अब पता नहीं भाई कौन सी दुखती रफ जहाँ पे यही गाना सुनते हैं बार बार। संदीप भाई आपको पता है क्या, मैं भी थक चुका हूं ये गाना सुन सुन के, मैं इनको मेरी जिंदगी से निकाल दूंगा। मौसम तो भाई फुल तैयार हो रहा, फुल एकदम शानदार, जैसे बरसने वाला है। तो भाई भगवान ने सुन ली हमारी और ये देखो बारिश आ गई है शानदार। वाह भाई वाह, मजा आ गया मजा, अब बनेगा माहौल भाई। बहुत ही तेज आ गई है, बहुत तेज, मतलब अनएक्सपेक्टेड इतनी तेज बारिश आ गई है। अभी थोड़ी देर में सड़कों पे पानी भर जाएगा एकदम, ऐसे कश्तियां चलने लग जाएंगी भाई इस हिसाब से। तो भर गया भाई सड़कों पे पानी भर गया ये, आराम से आराम से आराम से आराम से, ये देखो सड़कों पे भर गया ना पानी। बाहर का माहौल देखो भाई, तो गाड़ी का टावल भी नहीं है और आज ही अपने को सब चीजों की जरूरत है, टावल भी चाहिए, निक्कर भी होती तो बाहर भीग लेते हैं। तो है। अच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ जीन्स में हूँ, आज सब चाहिए था, लेकिन आज अपन बिना तैयारी के ही निकल गए। तो भाई ये शुरू हो गया है जमवा रामगढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी बाउंड्री शुरू हो गई है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक RTDC भी आता है भाई, कहाँ जंगलों में अंदर जाके है, यहाँ कौन आता होगा, हमारे जैसे शौकीन लोग ही आते होंगे, बाकी तो जंगल में क्या करने आएगा आदमी। और विकास भाई यार की थार सामने खड़ी है भाई, वो खड़ी थार, वो देखो लाइटें मार रहे हैं भाई लोग, वाह जी वाह। ये हमारे को मिल गया हमारे विकास भाई, क्या हाल है विकास भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे भाई हम रामगढ़ बांध वाले एरिया में, मतलब यहाँ ऑलरेडी दो तीन बार तो मैं आ चुका हूँ, और ये सामने जो है ना ये वो उसकी जो गुमटी जो बांध का जो एरिया है वो आ गया है, और यहीं पे इसके बैराज है भाई, जहाँ पे इसके यहाँ पानी भरा रहता था एक ज़माने में, पूरा पानी भरा रहता था और यहाँ से जयपुर को सप्लाई जाती थी। आप देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है, सिर्फ नीचे हरियाली है लेकिन बाकी पानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये देखो नीचे आप देख रहे होगे, ये यहाँ का बैराज था। अब यहाँ बंदर घूम रहे हैं भाई साहब, कितने बंदर हैं, ये रहे देखो गेट्स, ये गेट्स बंद करके यहाँ पे पानी रोका जाता था। अच्छा ये है ITC की प्रॉपर्टी रामगढ़ लॉज, कभी चल के देखेंगे। और ये भाई देखो, मतलब मॉनसून के टाइम तो भाई अपना राजस्थान ना शानदार हो जाता है, शानदार एकदम ग्रीन चारों तरफ से बढ़िया व्यू, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिमाचल में ही आ गए हैं। ठीक है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अरे वाह जिप्सी आ गई भाई RJ19, ये देखो जिप्सी भी खड़ी है शानदार, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो भाई साहब हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं, हम भी जब छोटे थे मामा के जाया करते थे तो ऐसे ही पानी निकालते थे। और सामने कितना ही खूबसूरत मंदिर, मतलब ये देखो क्या, राइट मुड़ना है अपने को, राइट मुड़ना है, मंदिर देखो क्या जगह पर बनाया हुआ है, बढ़िया शानदार मंदिर। चलो जी अब हमारी हल्की हल्की ऑफ रोड शुरू हो गई है, गांव और खेतों के बीच से निकलना शुरू हो गया। अब आगे जाके एक पानी भरा हुआ पैच आएगा जहाँ पे हमारी सब बाइकें फंस गई थी एक बार। चलो जी बकरियाँ दौड़ रही हैं, संदीप जी कुछ बताओ इन बकरियों के बारे में। ये बकरियाँ जो हैं वो कुछ अच्छा खाने की फिराक में हैं, इस कारण ये दौड़ती जा रही हैं। और इनके आगे एक नादान बालक है जिनका ये पीछा कर रही है, वो बालक इनको अलग जगह लेके जाएगा और वहाँ पर इनको एक अच्छा खाना जो है उपलब्ध होगा। हम भी आज एक अच्छी जगह जा रहे हैं भाई साहब, हवा उदी जा रहे हैं वापस से, तीन चार बार मैं जा चुका हूँ, हर बार अलग 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 रास्तों से जाते हैं,
तो लेकिन जैसे तैसे पहुंच ही जाते हैं भाई। ये जो गाइस आई है ना बीच में, गाइस बहुत सारी, इनको देख के हमारे को एक वाइल्ड गाय की याद आ गई। हमने उससे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी गाय है जो दूध नहीं देती, तो उन्होंने बोला कि वाइल्ड गाय दूध नहीं देती। ये देखो भाई ऑफ रोडिंग के आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब शीशे पे कितना कीचड़ आ गया और हम पहुंच गए हवा होती पूरे भाई साहब। ये किक करके पेड़, ये देखो पूरी रोड पे, मतलब दोनों तरफ से किकर ही किकर आ रहा है गाड़ी पे भाई। कितने ही तो इन्होंने खरोंच मारे होंगे, क्यों शेखर भाई? इसकी स्टोरी क्या भैया? इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ से राजा शिकार करता था, शिकार करने के लिए उसने ये 3 मंजिल की एक वो बना रखी इमारत। सामने रामगढ़ बांध पे जब शेर वेर पानी पीने आते थे या कोई भी जानवर पानी पीने आता था तो राजा यहाँ से शिकार करता था ऊपर बैठ के। तो भाई 2 CRD थार, एक अपने शेखर भाई की एक विकास भाई के, दोनों एकदम यहाँ पे आ गए। ये अपनी हवा होती रही। तो भाई ये देखो पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ और सामने वो पहाड़ के ऊपर एक लकीर सी दिखाई दे रही है दीवार की। क्या चीज है संदीप जी? वो लकीर जो है वो तो वॉल टाइप बनाई, बट किस लिए बनाई है, किस चीज से बचाने के लिए? टेरिटरी मार्क करने के लिए, बचाने के लिए कुछ नहीं। नहीं नहीं फॉरेस्ट की तो नहीं है, फॉरेस्ट नहीं, पुराने में क्या है कि हाँ किसी ने राजाओं का या जो वो होते थे जो सबको फंड करना होता था तो उसके लिए वो कोई भी काम करवाता था। ये देखो ना, हाँ ये बने हुए डोम छतरियां बोलते हैं। ये भाई सेम हम वैसी कंडीशन में आ गए जहाँ अपन अपनी इसुजू लेकर गए थे, भाटे लगा लगा के हमने चढ़ाया था, बट ये तो थार है, दिक्कत कुछ आएगी नहीं। चलो जी चलो। और ये आगे कंक्रीट की रोड आ गई है बिल्कुल पतली, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो दो गाड़ी तो पास नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही गाड़ी पास होगी। अरे ये तो पास आ गया, खरदुंगला पास। ओह माय गॉड, ये राजस्थान का जयपुर का खरदुंगला पास आ गया। चढ़ाई शुरू हो गई है भाई, एकदम स्टीप चढ़ाई। महिलाएं जो है वो और हाँ मॉर्निंग नहीं इवनिंग वॉक करने आई हैं। और ये देखो ये तो दौड़ दौड़ के दौड़ इस पास को कवर कर रही हैं। लगता है कि ये फिट इंडिया वाले कैंपेन से जुड़े हुए हैं। हाँ ये तो फिट है भाई एकदम। ये तो फिट है एकदम। यहाँ किसी का फार्म हाउस भी है। बस राजस्थान में प्रॉब्लम है कि गर्मियों के टाइम भाई साहब यहाँ पे तेल निकल जाता है, अदरवाइज बारिशों के लिए तो बहुत अच्छा है। और सामने देखो भाई, सामने दिख रहा व्यू, बादलों के बीच में से सूरज दिख रहा है, हल्का सा येलोइश गोल्डन कलर आ रहा है। हमें भाई ये टीले दिखाई दिए सामने, तो हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए इन टीलों पे। मुझे नहीं लगता आज तक के जितने भी मैंने यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे हैं अपने लोकल यहाँ, उनमें से कोई भी यहाँ आया होगा। ये वाली साइड तो अभी तक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, कोई भी नहीं आया भाई अभी तक यहाँ पर। क्यों शेखर, पहले आप आए हो यहाँ पे? नहीं आया ना, मैं भी नहीं आया कभी भी, और मैंने किसी का व्लॉग भी नहीं देखा इस पर्टिकुलर एरिया का। बस ये आ गए टीले, अब यहाँ पे सामने तो ये क्या झंडे झुंडे से लगा रखे हैं। चलो चलो सीधा चलते रहो। अच्छा ये तो वो भैया जिसके देवता होते हैं वो हैं, ये तो गांव वालों के। हाँ मिट्टी ले जाते हैं लोग यहाँ से निकाल निकाल के भाई पहाड़, ये तो बिल्कुल प्रॉपर मिट्टी मिट्टी है। चलो यार इसमें से ऊपर चढ़ते हैं इधर से, और आगे तो रास्ता मेरे को लग रहा है कहाँ जाएगा पता नहीं। रास्ता इधर चढ़ना है क्या आपको? ये संदीप जी जा रहे हैं अपने अपना जौहर दिखा रहे हैं। ये देखो ये एकदम मिट्टी में पांव धसाते हुए और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। अरे दब मत जाना, वो जो न्यूज आती है हाँ इनको भी खींचना पड़ेगा भाई साहब, टोइंग ओप लगा के। लेकिन ये चढ़ के ही मानेंगे, ब्लू मंकीज ऐसे नहीं मानेंगे भाई। ये सामने तो भाई ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, अब हम कैसे जाएंगे पाइपलाइन के ऊपर से? ओ ये रहा साइड में छोटा सा रोड, ये देखो भाई पाइप बिछ रही है। हालांकि हमारे पास थार 4x4 है, हम खुदा देते, हमने कहा छोड़ा यार ज्यादा ही हो जाता है, विक्रम खुदा देता विक्रम। तो गाइस हम पहुंच गए स्टोरीज और अंकल जी कर रहे हैं एंट्री हमारी। गाड़ी का नंबर नाम ये है इसकी एंट्री भाई।
तो इसको भाई हमने दिल्ली रोड से गुजरते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज अंदर पहली बार आए हैं। देखते हैं आज हमारी क्या स्टोरी बनेगी यहाँ पर। भाई संडे का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो पूरी फैमिलीज और लोग घूमने फिरने, बढ़िया झूले वूले, देखो मस्त माहौल बन रहा है। ये तो शानदार चीज़ है भाई, अपने को पता ही नहीं था। ये भाई पूल है यहाँ का, ये देखो रात के अंधेरे में बहुत कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पूल है थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, यहाँ से हम चढ़ कर आए हैं और ये पूल है। बाकी ये माहौल है पूरा, ये पार्किंग है सामने, ये जो आप देख रहे हो ना ये पार्किंग है और यहाँ पूरा माहौल सेट है। ये नीचे दो गाड़ियाँ अपन लोगों की, ये है भाई स्टोरीज का माहौल। ये देखो ये है बेसिकली यहाँ पे माहौल जो बनता है वीकेंड्स पे। भाई बढ़िया शानदार माहौल है, एक नंबर माहौल स्टोरीज में। दोबारा आऊँगा कभी विद फैमिली आऊँगा, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है यहाँ का। आज तो दोस्तों के साथ आया हूँ, शायद मेरी आवाज़ भी उतनी क्लियर ना आ रही हो क्योंकि पीछे कूलर चल रहा है। तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ चल रही है भाई व्लॉग की एडिटिंग और मैं पहुँच गया हूँ घर पे। आई होप आपको आज के व्लॉग में मजा आया होगा। अगर व्लॉग में मजा आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना भाई। और कमेंट सेक्शन में हमारे को लिखकर बताना कि और कौन सी जगह हम घूमने जाएं जो आप देखना चाहते हैं जयपुर के आसपास या राजस्थान में, जहां पे भी आप कहेंगे हम वहां जाने की ट्राई जरूर करेंगे और वहां का व्लॉग आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपको किसी अगले व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।